या ये स्वीटी कार कितना तेज चलाती है। हाँ स्वीटू मुझे देखो, मैं तो अभी अभी कार चलाना सीखी हूँ, फिर भी कितना स्लो ड्राइव करती हूँ और फिर भी कितना डर लगता है। हाँ अब स्वीटी देखो 18 साल की है लेकिन कितनी स्मार्ट है ना। हाँ क्या हाँ हाँ कर रहा है, इसको स्मार्टनेस नहीं बेवकूफी कहते हैं। स्वीटी बेवकूफ है समझा। बेवकूफ? बेवकूफ? तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? नहीं भैया मैं तुम्हें नहीं, मैं तो स्वीटी को बेवकूफ कह रहा हूँ। स्वीटी को? पर अभी अभी तो स्मार्ट कह रहे थे। या वो तो तुम कह रही थी ना। मैं कह रही थी लेकिन तुम भी तो हाँ कह रहे थे ना। पिया घर आ गया, तुम अंदर चलो मैं तुम्हें बाद में बताता। क्या करता है यार, मरवाएगा तू यार लोगों के सामने ना, मुझसे बात मत किया कर। यार तू जवाब मत दिया कर ना, लोग मेरी आवाज थोड़े ना सुन सकते हैं। अच्छा अब मुझे ये बता कि तू स्वीटी को बेवकूफ क्यों बोल रहा था, मुझे अंदर जाकर पिया को बोलना होगा। अब स्वीटी 18 साल की है, अभी अभी लर्निंग लाइसेंस मिला है, ऐसे में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना बेवकूफी नहीं तो और क्या है बताओ। हाँ यार स्पीड में तो उसे गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए और रूल्स के हिसाब से तो उसे गाड़ी भी अकेले नहीं चलानी चाहिए। लर्निंग लाइसेंस होल्डर तभी गाड़ी चला सकता है जब परमानेंट लाइसेंस होल्डर उसके साथ बैठा हो। मुझे पता है, ये बात मुझे नहीं जाके स्वीटी को बता। हाँ यार मैं उसे जरूर समझाऊंगा, जब वो आएगी ना तब मैं उसे जरूर समझाऊंगा। अब जाके ये सामान रखकर आता हूँ अंदर। मम्मी जी एक कमाल का जोक सुनो। अरे कमाल का है मम्मी जी, कमाल का है। एक बार ना कमाल अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, मेरी तबीयत खराब रहती है। तो डॉक्टर ने पता क्या किया, उसने एक पुड़िया में दवाई बांधी और कमाल की वाइफ को दे दी कि इसे आप सुबह शाम खा लेना। तो वाइफ हैरान परेशान कहने लगी डॉक्टर साहब तबीयत इनकी खराब है, नींद इनको नहीं आती, आप मुझे पुड़िया में दवा बांध के क्यों दे रहे हैं। तो डॉक्टर पता क्या कहता है, कहता है बहन जी आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये नींद की दवाई है, आप एक दो गोली खा के सो जाओगे इनकी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या जोक था जी? आप ना हमेशा ऐसे जोक सुनाते हैं जिसमें बीवियां बेवकूफ लगे। हाँ जी ये जोक नहीं, ये औरतों के लिए इंसल्ट है। रब मेर करें ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोगों का ना मजा आता है औरतों को बेअकल साबित करने में। और मम्मी जी जब ये ऐसे जोक सुनाते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता तो लगता है मेरे हाथ में जो भी ना उसको सीधा उठा। अरे नहीं नहीं प्रीति, अरे प्रीति ये क्या बोल रही है, जीजू तुम्हारे पति हैं, तुम उन पर हाथ उठाओगी? हाय रब्बा क्या बोल रहा है, तेरी बहन जी बहुत संस्कारी है, ऐसा वो कभी नहीं कर सकती। मैं बस ये बोल रही थी कि मेरा मन करता है कि जो हाथ में उसको उठाकर सीधा खुद के सर पर मार दे। नहीं 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 ओ यार सहेली मेरी ऐसा बिल्कुल मत करना भाई, पागल हो गई है क्या, ऐसा करेगी तो मैं किस किस को समझाता फिरूंगा कि ये हादसा मेरे थ्रू नहीं हुआ है, मेरे खिलाफ पुलिस केस बन जाएगा। पागी आपको अभी भी अपनी बड़ी है। वैसे जीजू इनकी बात बिल्कुल सही है, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा पुत्र तूने, औरतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। हाँ मम्मी जी वो जो शीला जी नहीं बगल में छोटे सा मकान था उनका, कहां ग्रेटर कैलाश पर इतना बड़ा बंगलो लेकर रह रही है। अरे नहीं नहीं दीदी उनके बोलने का मतलब ये नहीं है, उनके बोलने का मतलब है कि औरतें कहां कहां पहुंच गई है, चांद पर पहुंच गई है, एवरेस्ट चढ़ गई है। बिल्कुल ठीक, हवाई जहाज उड़ाती हैं, कार चलाती हैं। हाँ और अपने जो बग्गा अंकल है ना उनकी बेटी को ही देख लो स्वीटी, अरे क्या फर्राटे से कार चलाती है। नहीं नहीं पिया वो स्वीटी है ना वो गलत है, उसे कार नहीं चलानी चाहिए। क्यों, वो लड़की है इसलिए? नहीं नहीं लड़की तो तुम और प्रीति भी हो। हाँ तो तू अब हमारा भी कार चलाना बंद करवा दे। रब मेर करे पुत्र बिल्कुल गलत बात है, तुम मर्द ना सारे एक जैसे होते हो, तुम लोग औरतों की तरक्की से जलते हो। अरे मम्मी जी मेरा वो मतलब नहीं था। चुप कर जा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तेरे से, बिल्कुल अपने पापा जी पे गया है तू। अरे चलो कुड़ियो चलो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ मैं स्वीटी को लेकर टेंशन में हूँ और ये लोग अलग ही धुन पर है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब पापा जी गुड़गांव से वापस आएंगे ना तब मैं पापा जी को समझाऊंगा। लगता है स्वीटी आ गई, पहले मैं स्वीटी को तो समझाऊं। जीजू पकड़ो। अरे स्वीटी। हाय करण भैया। हाय देखो स्वीटी मुझे ना तुम्हें कुछ कहना है। ये ना स्वीटी तुम्हारे पास लर्निंग लाइसेंस है ना, तो तुम्हें कार ना अकेले नहीं चलानी चाहिए।
सकती हूँ, पर मैं तो बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छा चलाती हो, लेकिन रूल्स के मुताबिक जिसके पास लर्निंग लाइसेंस होता है ना, उसे परमानेंट लाइसेंस होल्डर के साथ ही गाड़ी चलानी चाहिए। अच्छा, तो तुम जब भी कार अपनी लेकर जाओगी ना, तो अपने पापा को साथ बिठा कर लेके जाना। तो यू मीन अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना है या मुझे अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स से मिलने जाना है, तो मैं अपने पापा को साथ में ले जाऊं? देखो स्वीटी, जहां तुम अपने पापा को साथ लेकर जा सकती हो वहां लेकर जाना, नहीं तो टैक्सी में चले जाना। तो फिर कार खरीदने का फायदा क्या हुआ? तुम अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस कैसे कर? तो इस चक्कर में तुम रूल्स तोड़ोगी। अच्छा, अगर मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना होगा तो फिर मैं अपने पापा को साथ में ले जाऊँ। स्वीटी छोड़ो ना करण भैया, क्या इस उम्र में भी अंकल टाइप बात कर रहे हो? आज से ना मैं आपको करण भैया की जगह करण अंकल बुलाऊंगी। डन। मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। अच्छा, मैं आ जाता। अरे मना करने के बाद भी अंदर आ गए? ओ भाई, मैं आप लोगों को मनाने आया हूँ, इसलिए मना करने के बाद भी आ गए। नहीं मानने वाले। पप्पीया मान जाओ प्लीज। मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगी। देखिए ना मम्मी जी, करण तो मुझे मनाने भी नहीं आए। ओहो, जरूरी थोड़ी है कि हर बार पति मनाने आए। मैं आया हूँ ना तेरा भाई मनाने। मान जा प्लीज। ओके जीजू, मैं मान गई। रब मेर करे, मेरी पिया मान गई तो मैं भी मान गई। बल्ले बल्ले, थैंक यू मम्मी जी, सारे मान गए जी, सारे मान गए। मैं मानी? मानी मैं? अरे तो मान जाना फिर, सारे मान गए तो तू भी मान। नहीं मानूंगी जी, मैं रूठी हूँ, मैं आपसे नाराज हुई हूँ, और नाराज हुई ना तो अब गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा आएगा तो मैं ये घर छोड़कर सीधा ससुराल चली जाऊंगी। अरे सुना, पर दीदी गुस्सा होकर तो लोग मायके जाते हैं ना? हाँ पिया, लेकिन यही मेरा मायका है ना, और मेरे मायके में मुझसे ज्यादा तो ये रहते हैं। मम्मी जी, मेरा क्या है, मुझे तो जहाँ प्यार मिल गया वही मेरा मायका, वही मेरा ससुराल, वही मेरी काशी, वही मेरा काबा। कितने अच्छे हो आप दामाद जी। पुत्र, इतने अच्छे दामाद जी हैं। देख, पति से गुस्सा नहीं करते पुत्र। मम्मी जी, आप भी जानते हैं कैसे कैसे जोक सुनाते हैं, हर जोक में औरतों की बेइज्जती होती है। और नाना, सवाल ही नहीं उठता, इतिहास गवाह है भाई, मैं रमेश और सुरेश का जोक सुनाता हूँ, उसमें औरतें होती नहीं है तो बेइज्जती कहाँ से होगी। कल क्या जोक सुनाया था आपने? क्या सुनाया था मम्मी जी, आप सुनिए ना कल क्या जोक सुनाया था। पत्नी ने पति से पूछा कि सुनिए जी, मार्स पर लाइफ होती है क्या? तो पति ने क्या कहा? पति ने कहा कि मेरी तो यहाँ पर भी लाइफ नहीं है, मुझे क्या पता वहाँ लाइफ होती कि नहीं होती। ओह गुड वन। नहीं, इसमें बेइज्जती है कि नहीं औरत की? ओह अच्छा, ठीक है भाई, मुझे ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए लाइफ में, मैं आज से मियां बीवी के जोक सुनाना ही बंद कर दूंगा। खुश है तू? बेटर। क्या हुआ? बेइज्जती यार। मतलब ये कि भाई मैं तेरे कहने पर उसे समझाने गया और वो मुझे अंकल टाइप्स कह रही है। यार मैं अपना खुद का ही मजाक बनाकर आ गया। करण तुझे पता है ना, वो जो भी कर रही है वो गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। भाई मैं तेरे सामने समझाने गया था ना, अब वो समझ नहीं रही तो मैं क्या करूं? स्वीटी बच्ची है, उम्र की छोटी है ना, नहीं समझेगी वो। तू एक काम कर, उसके पापा से जाकर बात कर, ठीक है? यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। स्पीड दे करण, स्पीड, इसे कुछ हुआ ना तो तू भी जिम्मेदार होगा। भाई तू हर बार ना इमोशनल अटैक मत किया कर। जाता हूं। गुड मॉर्निंग अंकल जी। करण तू आ गया पुत्र? आ गया जी। मुझे आपसे ये कहना था कि आप जो कर रहे ना ठीक नहीं कर रहे। मैं 6 महीने से योगा कर रहा हूँ, 10 किलो वजन कम किए। नहीं नहीं अंकल जी, मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं योगा की बात कर रहा हूँ? अरे आप कर रहे हैं, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने स्वीटी को कार देके ना अच्छा नहीं किया। क्यों, गाड़ी में कुछ खराबी है? अरे यार तू तो गाड़ी बेचता है यार, कुछ अच्छी गाड़ी है तो बता दे, दिलवा देते उसको। अरे नहीं नहीं, आपको ना स्वीटी को गाड़ी देनी ही नहीं चाहिए थी, वो कितनी छोटी है यार। 18 साल की हो गई है, 18वें जन्मदिन पे ही मैंने गाड़ी दी उसको। अंकल जी उसके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है ना। करण पहले सबको लर्निंग लाइसेंस ही मिलते हैं, परमानेंट लाइसेंस बाद में मिल जाता है। अंकल जी ये गलत बात है, आप उससे ना स्वीटी से कार वापस ले लीजिए। पागल हो गए क्या? मैं कार वापस लूंगा तो मेरी जान ले लेगी वो? वो कार बहुत स्पीड में चलाती है। कार तो तेजी चलते, धीरे चलानी हो तो साइकिल नहीं दिलवा देता। अंकल जी भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसे चोट लग सकती है ना। करण तू मेरे ही सामने मेरे ही बेटी को बद्दुआ दे रहा है। अंकल जी वो करण, वो मेरी एक लौती बेटी है, मैं उसे कार दिलवा दूं या हवाई जहाज दिलवा दूं, तुझे क्या मतलब? अंकल जी आप समझ नहीं रहे हैं। तू समझ करण, वो मेरी बेटी है, मैं देख लूंगा, तू स्वीटी का टेंशन ना ले। वो...
प्रीति रब मेर करे रुमाल खोल दामाद जी। मम्मी जी इनके लिए ना यही तरीका एकदम बेस्ट है। आपको पता है दिन रात जोक 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 कल रात को 2 बजे उठकर बोलते प्रीति लेटेस्ट जोक आया है। वो तो ठीक है पुत्र लेकिन रुमाल तो खोल इनका मुंह खोल इनका खोल खोल मुंह खोल। खुलेगा नहीं खुलेगा अब सिर्फ खाना खाने के लिए खुलेगा इनका मुंह। मम्मी जी देख लीजिए इनकी हरकतें देख लीजिए इनको जोक सुनाने के लिए इतने तड़प रहे ना ये कि देखिए इन्होंने मुझे मैसेज किया जो कर दो जी आप। क्या हुआ या मैं बग्गा अंकल को समझाने गया था कि स्वीटी ना गाड़ी बहुत तेज चलाती है लेकिन बग्गा अंकल ने मुझे ही डांट दिया। हाँ तो करेंगे ना ऐसा तू क्यों बीच में पड़ता है लोगों के तुझे क्या जरूरत है अपने काम से काम रख। और यार सहेली मेरी तू मेरा गुस्सा बेचारे करण पे क्यों निकाल रही है, है? बताओ क्यों निकाल रही हूँ। और प्रीति पर स्वीटू तुम्हें क्या जरूरत थी बग्गा अंकल को समझाने की। पिया वो हमारे नेबर्स हैं और स्वीटी है ना मेरी छोटी बहन जैसी है अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। ये तो बात ठीक है पुत्र जी लेकिन मेरा फर्ज था समझाना लेकिन अब वो नहीं समझ रहे तो तू क्या कर सकता है पुत्र। स्वीटू तुम एक काम करो। क्या? तुम बाजार से 1 किलो पनीर ले आओ। क्या पनीर? पिया तुम मुझे पनीर लाने को कह रही हो मुझे लगा कि तुम स्वीटी को सुधारने का कोई तरीका मुझे बताओगी। अब तो पुत्र तू स्वीटी को भूल जा तू पनीर का ध्यान दे जा बाजार से पनीर लेके आ। जा भाई जा पनीर स्वीटी लेटर भाई फर्स्ट पनीर। हाँ। मम्मी जी पिया अभी तो प्रीति अंदर चली गई है तो मैं एक जोक सुनाऊं एक एक बस एक प्रीति दीदी करण भैया मैं आपको अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ और आप मेरे पापा को जाके मेरी चुगली कर रहे हैं। नहीं नहीं मैंने चुगली नहीं की स्वीटी। पर आपको क्या जरूरत है मेरे मामले में टांग अड़ाने की। देखो बात यह है कि कार ड्राइव फास्ट करना बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही करण बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अरे दादा मैंने तुमको देखा गाड़ी चलाते हुए अरे कितना फासम फास गाड़ी चलाती है पापा। तो क्या करूं आपकी तरह 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाया करूं। अरे ऐसी बात नहीं है स्वीटी अरे सेफ्टी भी कोई चीज होती है ना। इतनी ही चिंता है तो आप गाड़ी चलाते क्यों है फुटपाथ पे पैदल चला कीजिए। अरे कमाल की बात कर रही है छोड़ी अरे तू इतनी सी थी ना तब से तेरे को गोद में खिलाया है अरे बाप जैसा हूँ तेरा। मैं आपसे बात नहीं कर रही आप अपने काम से काम रखिए। अरे करण बेटा ये तो बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। मैं करण भैया से बात कर रही हूँ आप क्यों बीच में आ रहे जाइए यहाँ से। हाँ तो ठीक है अरे हम मेरे को भी तो कितना सारा काम है जाता हूँ बाबा मेरा इधर काम क्या है कमाल करते हैं अंकल कुछ भी बोलते रहते हैं जब देखो स्वीटी तुम्हें लालवानी अंकल से ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी बताइए आपको ये लगता है ना कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती तो मेरे साथ एक रेस हो जाए। रेस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात सुन लीजिए मैं आपसे तो अच्छी गाड़ी चला लेती हूँ और मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है और आज के बाद मेरे पापा को मेरी चुगली मत कर। अरे करण ये लड़की तो वाकई बदतमीजी कर गई। हाँ यार पता नहीं इसको क्या हो गया स्वीटी पहले तो बहुत अच्छी लड़की थी बहुत स्वीट लड़की थी। चल पनीर लेकर आते हैं फटाफट। हाँ यार पनीर लेकर आना है। अरे स्वीटी स्वीटी भी ना पागल हो गई है क्या। हाँ हाँ पागल हो गई है बेवकूफ लड़की ना अपनी जान पर खेल रही है। भगवान ना करे किसी दिन उसे कुछ हो गया तो। होगा ही करण जब आप रूल्स नहीं फॉलो करते हो तो नतीजा बुरा ही होता है। छोड़ना यार हम क्यों किसी का बुरा सोचें। अरे मिलिट्री बुलाओ आर्मी बुलाओ। अरे करण ये तो स्वीटी की कार है ना। हाँ यार लगता है एक्सीडेंट हुआ है। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया स्वीटी। अरे तुमने कैसा मेरा गाड़ी ठोका। अरे मैं तो बोलता हूँ पुलिस को बुलाओ मिलिट्री बुलाओ। अरे मैं तो बोलता हूँ सबको बुलाओ। अरे मेरा नया नया गाड़ी ठोक दिया तुमने। अरे नया गाड़ी अरे क्या सोड़ी सोड़ी लगा रखा है। अरे एक तो नया नया गाड़ी। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया स्वीटी। अरे तुमने क्या कर दिया ये। अरे लालवानी अंकल ये सब आप क्या कह रहे हैं।
अरे कलन अच्छा हो गया तू आ गया, देखो ये स्वीटी ने मेरा ब्रांड न्यू गाड़ी को टक्कर मार दिया, पुलिस बुलाओ बाबा। प्लीज अंकल। अच्छा अभी प्लीज बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेइज्जती किया था उसका क्या? अंकल ये डैमेज के पैसे मैं अपने पापा से दिलवा दूंगी। अरे पैसा नहीं चाहिए बाबा, अब तो हम तेरे को पुलिस थाने ही लेके जाएगा। नहीं नहीं अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे करण तू इसका साइड ले रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा भी तो बेइज्जती किया था इसने। हाँ अंकल लेकिन बच्ची है, छोड़ दीजिए। अरे माफ क्या कर देवे बाबा, अभी तो मैं इसको पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगा। अरे नहीं नहीं लालवानी अंकल बच्ची है, देखिए लर्निंग लाइसेंस है, जब्त हो जाएगा, केस बन जाएगा। केस बन जाएगा? अरे दादा फिर तो मैं जरूर केस करेगा, पुलिस में कंप्लेंट जरूर करे। नहीं नहीं लालवानी अंकल प्लीज माफ कर दीजिए ना, बच्ची है। अरे ठीक है बाबा, तुम बोलता तो मैं पुलिस को नहीं बुलाता है, लेकिन इस गाड़ी के रिपेयरिंग का खर्चा तुम्हारे पिताजी को देना पड़ेगा। हाँ अब मुंह क्या देखता जाओ, ठोक दिया गाड़ी और दिमाग खराब चढ़ा यार। थैंक यू करण भैया। मम्मी जी अंत सूखी मेथी की सब्जी बना लूं? पक्का पुत्र, पक्का जरूर बनाओ। भैया ये लो पनीर। अरे वाह मम्मी जी, हां जी आज मैं पनीर लेबनी स्टाइल में बनाऊंगे, मंगोलियन स्टाइल में, अमृतसरी स्टाइल में। पुत्र आज पनीर अमृतसरी स्टाइल में बनाना। ओके। अरे भगा साहब नमस्कार, आप कैसे हैं? हाँ, मैं करण से माफी मांगना है। क्यों क्या हो गया? स्वीटी ने मुझे बताया कि करण ने इसकी कितनी मदद की। अंकल जी कैसी बातें कर रहे, स्वीटी मेरी छोटी बहन जैसी। नहीं करण, हमने तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजियां की। करण भैया मुझे माफ कर दीजिए ना। एक ही शर्त, तुम ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करोगे। करूंगी भैया। एडवेंचर के लिए अपनी जान खतरे में कभी नहीं डालनी चाहिए। स्वीटी पता है तुम्हें मैं भी स्लो गाड़ी चलाती हूँ, संभाल कर गाड़ी चलाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। बिल्कुल पुत्र, और किसी भी जगह पे 10 मिनट लेट पहुँच भी गए तो क्या फर्क पड़ गया है? करण मैंने इसके लिए एक ड्राइवर का इंतजाम किया, जब तक इसको परमानेंट लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक ड्राइवर ही गाड़ी चला। और हाँ अगर मेरी इच्छा हुई ड्राइविंग करने की तो मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ चलेगा। वेरी गुड। और पता है भैया आज जब एक्सीडेंट हुआ तो तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। चलो पुत्र देर आए दुरुस्त आए, पर तुमको समझ आ गई ना ये जरूरी बात है। थैंक यू करण, मुझे भी एक बात समझ में आ गया, बच्चों को सुधारने में और बिगाड़ने में माँ बाप का ही हाथ होता है, तुमने मुझे ये सिखाया। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया तो एक कप कॉफी हो जाए। मैं को तो काम है पुत्र, तो मैं नहीं पीऊंगी। प्रिया अभी नहीं, मुझे जरूरी काम याद आ गया। आप लोग तो कॉफी लेंगे ना? जरूर। बधाइयां, मैंने कहा बधाइयां। थैंक यू यार। स्वीटी तो सुधर गई, तुझे अच्छा लग रहा होगा ना? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स उन्हीं की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल सही, फास्ट ड्राइविंग करके आप अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की जान को भी खतरे में डालते हैं। बिल्कुल सही कहा यार तूने, और वैसे भी यार जो सड़क पर चलते हैं या जो साइकिल चलाते हैं उनका क्या दोष है, एक्सीडेंट में उन्हें भी तो चोट लगती है ना। कार एक मशीन की तरह ही तो है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हाँ यार जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खो बैठना वो अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी ये रिमोट वाली कार और असली गाड़ी में बहुत फर्क होता है यार, गेम में तो आपको दूसरी लाइफ मिल सकती है लेकिन हकीकत में आपको दूसरी लाइफ कभी नहीं मिलती। बिल्कुल सही, इंसान की सुरक्षा उसके अपने हाथ में होती है। इसलिए तो कहता हूँ हमेशा याद रखिए आपका परिवार है जिसे आपकी जरूरत है। वेरी गुड यार, तुम तो अच्छे वक्ता बन सकते हो भाई। मतलब देख रहा हूँ तुम्हारा भाषण। आई लव यू ऑल्टो। आई लव यू।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.